डीलिस्टिंग होने वाले जितने भी स्टॉक हैं उस पे नज़र आप ज़रूर रखिए दोस्तों। अब आइए मैं बता दूं, 10 कंपनियां 2023 में डीलिस्टिंग हो चुकी है और ये डीलिस्टिंग होने वाली जो कंपनी का लिस्ट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नीचे से आप देख लीजिए। ऐसे अभी तक 423 कंपनियां डीलिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन 2023 में आपको मैं बता दूं 10 कंपनी डीलिस्टिंग हुई है। कितना कितना तारीख को वो भी हम आपको बता दें, 23 मई को हुई है, 28 अप्रैल में 1, 2, 3 कंपनी हुई है, मार्च में हुई है 1, 2, 3, 4 कंपनी, फरवरी में 1 और जनवरी में 1 कंपनी हुई है। 12 जनवरी को डीलिस्टिंग हुआ है, ये इसका नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ICL। डीलिस्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चला जाएगा, पैसा नहीं, डीलिस्टिंग हो गई है, पैसा तो जाएगा ना। अब डीलिस्टिंग के बाद रीलिस्टिंग जब होता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। आइए डीलिस्टिंग और रीलिस्टिंग की सच्चाई क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएं। पहले ये बता दें दोस्तों कि कौन कौन डीलिस्ट हुआ है। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड, ये आपको हुआ है दोस्तों 23 फरवरी 2023 को, 2023 के सिर्फ बात करेंगे। 12 जनवरी को हुआ है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, दूसरा हुई है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड 23 फरवरी को, मार्च में हुई है 4 कंपनी डीलिस्टेड, 3 मार्च को हुई है स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, 10 तारीख को हुई है सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड और CKP लीजर लिमिटेड और पावरफुल टेक्नोलॉजी लिमिटेड PTL, ये हुई है मार्च में। अप्रैल में हुई है DFM फूड लिमिटेड और PSL लिमिटेड, अप्रैल में 3 कंपनी हुई है और मई में 1 कंपनी हुई है दोस्तों। एक हुआ PSL लिमिटेड और IMCO लिमिटेड, ये 3 कंपनी हुई है अप्रैल में, और 1 कंपनी हुई है ऑटो राइडर्स फाइनेंस लिमिटेड, ये हुई है आपको 23 मई 2023 को। ये सारी सभी कंपनियों को रडार पे अपने रख दिए और डीलिस्टिंग होने वाले कंपनियों के लिस्ट में कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड 2022 दिसंबर में आपको जो कंपनी हुई थी, 2 कंपनी उसके भी बता दें आपको, ताकि आपको याद रहे। दिसंबर में हुई है कंपनी, 3 कंपनियां डीलिस्टिंग हुई है, 8 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 19 दिसंबर को। तो ये भी बता दे कौन कौन सी है। उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड, ये डीलिस्टिंग हो चुकी है। अस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड और भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड, ये 3 2022 दिसंबर में हुई दोस्तों। ये सभी अपने रडार पर रखिए। अब देखिए इसमें से जिस दिन रीलिस्टिंग हो गई दोस्तों, अब डीलिस्टिंग इसलिए हो जाता है कि इसके कारण क्या है। डीलिस्ट होता है कि इसके जो भी टर्म कंडीशन है चाहे मार्केट कैप का हो या इसके फॉलो करने की हो, मीटिंग की हो, प्रोडक्ट की हो, सेबी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टर्म कंडीशन के अनुसार, तो डीलिस्ट नहीं कर पाते तो डीलिस्ट हो जाती है। लिस्टिंग की जो क्राइटेरिया है, इसकी टैक्सेस जो है नहीं जमा कर पाते हैं तो उनको डीलिस्ट से हटा दिया जाता है कि आपका शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री बंद हो गया। अब देखिए अब कंपनियां करती क्या दोस्तों, जो कंपनियां काम करने वाली हैं, हो सकता है उसका पैसा पेमेंट फंसा हुआ है या करता है, शेयर तो नहीं डूबा, शेयर आपका भले आपका माइनस में हो जाएगा, लेकिन कंपनी डीलिस्टिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आपका पैसा डूब गया। अब रह गया कि रीलिस्टिंग जो कंपनी, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, आपको यह दिख रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टर्लिंग बायोटेक, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड, ये सभी स्टॉक्स जो है अपने रडार पर रखिए। और इसमें से 3 कंपनी जो है डीलिस्ट हुई है वो सबसे ज़्यादा अभी रीलिस्टिंग होने की कगार पर दोस्तों, वो आपको मैं बता दूँ कौन कौन सा कंपनी है वो भी
जरूर आप भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इसके बारे में सोचना बेकार है। उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड, ये एक कंपनी आपको रडार पे रखना है। और इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, ये भी रडार पे रखना है। और आपको रखना है पावरफुल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब ये क्या है, DFM फूड लिमिटेड, ये पांच कंपनियां रडार पर रखी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।